नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेबर रूम, जिसे हम जहाँ पर बच्चे पैदा लेते हैं, वहाँ का टेम्परेचर हमें कितना डिग्री रखना चाहिए, यानी वो कितना टेम्परेचर जो है वह सुटेबल होता है। तो जनरली मैंने आपको पिछले वीडियो जो रूम टेम्परेचर और एम्बियंट टेम्परेचर से रिलेटेड थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 18 से 22 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है। तो इसमें क्या होता है, बेबी का जो रूम होता है, यानी जो बेबी जहाँ से पैदा लेता है, वहाँ पर हमें टेम्परेचर रखना चाहिए जो माँ के गर्भ का जो टेम्परेचर होता है उसी के एवरेज में रखना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है 9 मंथ तक माँ के गर्भ में रहता है, तो गर्भ का जो टेम्परेचर अराउंड है तो वो लगभग लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी माँ के गर्भ का जो टेम्परेचर है। यानी क्या रहता है, थोड़ा सा वार्म रहता है, ज़्यादा वार्म नहीं रहता, क्या रहता है, थोड़ा सा वार्म रहता है। यानी जो नॉर्मल एसी रूम का जो टेम्परेचर वो क्या रहता है, 18 डिग्री, 17 डिग्री, 15 डिग्री। तो यदि बेबी का जो रूम है, क्योंकि बच्चा जो सीधे लाइफ में आ रहा है, तो यानी उसे हम उस समय बैलेंस टेम्परेचर करने के लिए क्या रखना पड़ता है, जितना माँ के गर्भ का टेम्परेचर होता है उतना ही हमें रखना पड़ता है। इसलिए हमें लगभग वही माँ के गर्भ का जो टेम्परेचर है उतना ही रखना चाहिए, यानी थोड़ा सा वार्म, यानी 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस हमें रखना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। यदि इसके हम फॉरेन हाइट में चेंज करें तो ये लगभग आ जाता है 77 फॉरेन हाइट से 82.4 फॉरेन हाइट। ओके, चलिए। तो ये तो था लेबर रूम का टेम्परेचर, यानी बच्चा, और पैदा होने के बाद हम बच्चे को कितने टेम्परेचर में रखें इसकी जानकारी के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इसी चैनल पर अगली वीडियो आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए वेट कीजिए एंड वॉच करते रहिए आरएमएस का। धन्यवाद।